हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और आज का वीडियो एक समर प्लांट के बारे में है। देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर सा फ्लावर इसमें खिला हुआ है। सुंदर सुंदर सा फ्लावर तो इसमें खिलते हैं और काफ़ी सारे कलर में भी ये प्लांट अवेलेबल है। तो चलिए इसके केयर और प्रोपगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट है इसका नाम है एमरिलिस लिली। इसको समर लिली भी बोलते हैं क्योंकि समर में ही इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर खिलते हैं। और ये जो फ्लावर है, देखिए इसका जो पेटल्स है काफ़ी थिक है और देखिए इसमें रेड कलर का स्ट्राइप लगे हुए है। फ्लावर जो है वो वाइट में है और बीच में थोड़ा सा ग्रीनिश शेड भी है। मेरे पास इसका और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए रेड कलर का भी फ्लावर खिला हुआ है और ये भी बहुत सुंदर है दिखने में। इसका और भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो जब वो सब प्लांट में फ्लावर खिलेगा मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये दो ही प्लांट में फ्लावर खिला हुआ है तो इसीलिए मैं ये दो प्लांट शेयर कर रही हूँ। और इन दोनों फ्लावर में से कौन सा फ्लावर आपको पसंद आ रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी बात कर लेते हैं इस प्लांट का केयर के बारे में। वैसे ये तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, थोड़ा बहुत जो केयर की ज़रूरत होती है वही मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। ये प्लांट फुल सनलाइट में भी ग्रो करते हैं और सेमी शेड में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्लावर भी खिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही प्लांट होता है और उसमें से ऐसे स्टिक निकल के आता है। ये देखिए, ये है इसका स्टिक, ये निकल के आते हैं और फिर ऊपर जाके, अभी तो दो फ्लावर खिला हुआ है, वैसे इसमें चार फ्लावर भी खिलते हैं, एक ही साथ चार फ्लावर भी आते हैं कभी कभी। फ़िलहाल तो दो फ्लावर ही खिला हुआ है, तो ऐसे ही स्टिक निकल के आते हैं और ऊपर जाके ऐसे फ्लावर खिलते हैं। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा माइक जैसा है और ये जो प्लांट है ना, ये बल्ब से उगता है। ये देखिए, ये है इसका बल्ब, ऐसे बल्ब होता है जो कि थोड़ा सा जो प्याज होता है, ऑनियन होता है, उसके तरह दिखता है। तो उसको लगाने से ही बहुत अच्छे से इसमें से प्लांट निकल के आता है। तो देखिए, मैं तो एक ही लगाई थी और इससे पास से देखिए कितने सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के आए हैं। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही इजी है। ऐसे एक अगर हम लोग बल्ब लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में इससे ही बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं। मेरा जो प्लांट है ये लगभग 2 साल का प्लांट है, तो अभी देखिए कितने सारे बेबी प्लांट निकल के आए हैं, क्योंकि मेरा जो बल्ब था वो मच्योर बल्ब था। तो अगर आप लोग खरीद रहे हैं बल्ब तो थोड़ा सा बड़ा वाला मच्योर वाला बल्ब ही लेना, तभी बहुत जल्दी आप सबके पास भी ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के आएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही एक टेराकोटा पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ इस प्लांट के लिए, जिसका जो घेरा होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। वैसे डीप थोड़ा सा कम होने से भी चल जाएगा, लेकिन घेरा जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही अच्छा है, उतना जल्दी ये बल्ब फैल जाएगा और अच्छे से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के आएगा। और अगर मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी हमेशा ही वेल ड्रेन सॉइल लेना चाहिए, पोरस मिट्टी लेना चाहिए, तभी इसमें ग्रोथ अच्छा होगा। तो मेरी जो प्लांट है इसमें मिट्टी के साथ, गार्डन सॉइल के साथ थोड़ा सा रेत मिला हुआ है और साथ में मैं थोड़ा सा कंपोस्ट और थोड़ा सा मैं इसमें बोन डस्ट भी यूज़ की थी। और इसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो जब फ्लावरिंग का टाइम आता है उससे 1-2 महीने पहले इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट और थोड़ा सा बोन डस्ट ऐड कर देती हूँ। वैसे इस प्लांट में मैं डिजीज़ तो अभी तक कुछ नहीं देखी हूँ, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो जाता है तभी ये प्लांट ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा अगर पानी इसमें आप डाल देते हैं या पानी जम जाता है तभी ये जो बल्ब है वो ख़राब हो सकता है, गल सकता है, सड़ जाता है और प्लांट डाई भी हो सकता है। तो इसीलिए प्लांट में पानी का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और अगर केयर बोलूँ तो ये जो फ्लावर है ये जब पूरा खिल जाएगा और सूख जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है ना, ये स्टिक, इसको यहाँ से कट कर देना है, तभी नए नए फिर से स्टिक निकलेगा और बहुत सारे फ्लावर खिल जाएगा। तो यही है छोटा मोटा सा कुछ केयर।
ये करने से ही ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और सालों साल ये प्लांट अपने बागान में ऐसे ही खिला हुआ हरा भरा रह जाएगा। और इसका कुछ लोकल वैरायटी भी होते हैं, तो उसका फ्लावर का जो पेटल्स है ना, वो थोड़ा सा थिन टाइप का, पतला टाइप का होता है, लेकिन फ्लावर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलता है। और इस वैरायटी का फ्लावर तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन देखिए दिखने में बहुत सुंदर है, और इसका जो पेटल्स है वो भी थोड़ा सा थिक जैसा होता है, तो दिखने में अच्छा लगता है और ज़्यादा दिन इसका फ्लावर रहता भी है। होपफुली आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।